हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। आखिर इस बार जन्माष्टमी कब है, आइए जानते हैं उज्जैन के पंडित से। जी, भारतीय संस्कृति में सभी भगवान कृष्ण को अधिक मानते हैं तथा भगवान राम जी को मानते हैं, भगवान विष्णु जी के अवतार ही कहे गए हैं, और इसी प्रकार यह जन्माष्टमी मनाई जाती है तथा जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण को तथा बाल गोपाल को का प्रमुख त्यौहार कहा गया है। इस दिन भगवान बाल गोपाल का जन्म उत्सव कहा गया है। इसमें बहुत अनेक प्रकार से बड़ी धूमधाम से मटकी बांधी जाती है तथा भगवान गोपाल जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। इस साल यह जन्माष्टमी का त्यौहार जो है हमेशा भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है, और इस बार यह अष्टमी अगस्त में 26 अगस्त सोमवार के दिन यह जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है पर्व। इस दिन सुबह प्रातःकाल उठ करके घर का सफाई कर करके भगवान के आगमन के लिए अपने घर को अलग अलग तरह से व्यक्ति सजाता है, घर के आगे बंधनवार बनाता है तथा अपने मंदिरों को अपने पूजा स्थानों को सजाता है। उसके पश्चात भगवान के पलने की तैयारी करता है कि जिस प्रकार एक छोटा बालक का जन्म होता है तो अपन उसी प्रकार बधाइयाँ गाई जाती है, कहीं जगह कीच मचाई जाती है, दही और हल्दी मिला करके उसको फैलाया जाता है और भजन आदि किए जाते हैं, और अर्ध रात्रि में यह यहाँ पर भगवान का स्नान आदि बाल गोपाल का लड्डू गोपाल को पूर्ण तरह से श्रृंगार किया जाता है, भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, और विशेषकर यहाँ पर भगवान को भोग में माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार अपन कोई विशेष अतिथि आता है तो उसके निमित्त अपन निराहार रह कर उसका स्वागत करते हैं। उसी प्रकार हमारे यहाँ भगवान धरती पर जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं, तो वहाँ पर भगवान के आगमन के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार से चेष्टाएं करता है, अपनी अपनी तरफ से अनेक मंदिरों में यह कार्य किया जाता है, और अनेक मंदिरों में अलग अलग तरीके से अनेक प्रकार से भीड़ देखने को मिलती है और भजन कीर्तन किए जाते हैं और उत्साह मनाया जाता है, नाच गान कीर्तन आदि कर करके व्यक्ति अपने को समय को व्यतीत करता है। उसके पश्चात भगवान का दर्शन करने के पश्चात प्रसाद लेता है और अपने व्रत को खोलता है और भगवान से अनेक प्रकार की कामना और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है।